हल्दी या कुरकुमिन इन कैंसर ट्रीटमेंट। सो हम लोग एक सीरीज़ बनाते हैं जिसमें हम लोग खाने या फूड आइटम्स जो कि कैंसर को अफेक्ट करते हैं उनके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ थेरेपीज़ पे डिस्कशन करते हैं। तो उसी सीरीज़ में ये वीडियो है, रोल ऑफ हल्दी जिसको इंग्लिश में कुरकुमिन कहते हैं, इसका क्या रोल है कैंसर के ट्रीटमेंट में। तो हल्दी सबसे पहले जानने वाली बात यह है कि हमारे आयुर्वेदा में बहुत ज़्यादा मेंशनड है, इसके कई फायदे बताए जाते हैं आयुर्वेदिक साइंस में, कई सालों से प्रचलित है और हम लोग सब अपने अपने घरों में यूज़ करते हैं, इवन एज फूड सप्लीमेंट और एज समटाइम्स दूध में मिला के कई बार दवाई की फॉर्म में भी। तो आज के वीडियो का पर्पस है कैंसर में रिसर्च क्या है। आई एम जस्ट गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू दैट वेरी थिंग कि साइंटिफिकली क्या रिसर्च मॉडर्न साइंस ने करी है कैंसर के फायदे। तो सबसे पहले तो ये हल्दी और कैंसर का जो रिलेशनशिप हम सुनते हैं वो इसलिए है कि कुछ ना कुछ रिसर्च है, लैब के लेवल्स पे कुछ प्रिलिमिनरी बेसिक रिसर्च है जो ये कहती है कि हल्दी का एंटी इन्फ्लेमेटरी असर है, एंटी कैंसरस असर है, बिकॉज इट किल्स द कैंसर सेल्स, इट किल्स द ब्लड सप्लाई टू कैंसर सेल्स। तो कहीं ना कहीं कुछ बेसिक सा रिसर्च है बट बहुत एडवांस्ड ट्रायल्स नहीं है। जो बेसिक सी रिसर्च कुछ है दैट इज इन द फील्ड ऑफ पैनक्रियाटिक कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, सम एक्सटेंट ब्रेस्ट कैंसर एंड प्रोस्टेट कैंसर। तो अक्सर पेशेंट ये पूछते हैं कि क्या हम हल्दी खाना शुरू कर दें अपने खाने में, या कई लोग हल्दी ज़्यादा खाने लग जाते हैं। तो सबसे पहले तो समझने वाली बात ये कि जिस फॉर्म में हल्दी नेचुरल फॉर्म में आती है उसकी कोई डोज प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि हम 2 चम्मच हल्दी खा लें या 4 चम्मच हल्दी खा लें। दूसरा, आजकल एक कॉन्सेप्ट आ गया है जो दवाई की फॉर्म में सप्लीमेंट्स में अक्सर दे दिया जाता है, वो है नैनो कर्कुमिन। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कर्कुमिन यानी कि हल्दी और नैनो कर्कुमिन में कुछ फ़र्क है। नैनो कर्कुमिन उसी हल्दी को थोड़ा सा दवाई की फॉर्म में बनाने की कोशिश की गई है। होता क्या है कि हल्दी के पार्टिकल्स को इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स जिसको नैनो पार्टिकल्स बोलते हैं उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, और उससे बेनिफिट क्या होता है कि नॉर्मल हल्दी जो होती है ये घुलती नहीं है पानी में, एब्जॉर्ब नहीं होती और अनस्टेबल होती है, बड़ी जल्दी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो नैनो कर्कुमिन पानी में स्टेबल रहता है, बिकॉज वो पानी में स्टेबल रहता है आप उसका 1 चम्मच पानी में घोल के पी सकते हैं, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी बेटर है, उसका एब्जॉर्प्शन बेटर है, इंट्रा सेलुलर पेनिट्रेशन बेटर है नैनो कर्कुमिन का। तो जो हल्दी डॉक्टर्स एज सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, हालांकि साइंस बहुत ज़्यादा नहीं है, वो नेचुरल हल्दी का नहीं है, नैनो कर्कुमिन का है। तो यू कैन आस्क योर डॉक्टर्स कि कैन आई टेक सप्लीमेंट इन द फॉर्म ऑफ नैनो कर्कुमिन। कच्ची हल्दी खाना कितना बेनिफिशियल है इस पर कोई साइंस है नहीं। दूसरा, आप सेल्फ मेडिकेट नहीं कर सकते हल्दी के लिए क्योंकि उसके रिएक्शंस होते हैं जो दवाइयाँ चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल एंटीकोएगुलेंट्स कई पेशेंट को चल रहे होते हैं, उसके कुछ हल्दी के साथ साइड इफेक्ट्स नोटेड हैं। कुछ कीमोथेरेपी ड्रग्स हैं जैसे टैक्सेंस या इरनोटिकेन, इनके साइड इफेक्ट नोटेड हैं। कुछ गोलियाँ हैं जैसे सोटेंट, सुनिटिनिब या फिर सोराफिनिब, इनके साइड इफेक्ट्स, इनके इंटरेक्शंस नोटेड हैं। तो ब्लैंकेट आप अपने लेवल पे हल्दी खाने का विचार ना रखें, यू शुड डिस्कस विद योर डॉक्टर्स मोर ऑफन देन नॉट। डॉक्टर्स ये सप्लीमेंट्स जब पेशेंट ठीक हो जाता है तो उसके बाद एज एंटीऑक्सीडेंट के फॉर्म में बाद में देते हैं। हल्दी का जैसे कि मैंने बोला कोई फिक्स डोज नहीं है, इवन हल्दी के सप्लीमेंट्स का कोई फिक्स डोज नहीं है, तो रिसर्च बड़ी प्रिलिमिनरी है। इसके बारे में ऑथेंटिक ऑनलाइन काफ़ी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बट ऑथेंटिकली कुछ वेबसाइट्स हैं जो हमने लिंक में डाली हैं, उसको आप देख सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री कौन कौन से एजेंट्स हैं जिसको जो कि इस जिनके बारे में रिसर्च की गई है। तो मैसेज ये है कि ऑनलाइन पढ़ के या कुछ आर्टिकल्स पढ़ के आप हल्दी को सेल्फ मेडिकेट ना करें। कुछ बेसिक रिसर्च है जो कि एंटी कैंसर एजेंट की तरह हेल्प करती है, बट अगर हल्दी लेनी ही है तो नैनो कर्कुमिन के फॉर्म में आती है, लिक्विड बॉटल्स होती हैं, कैप्सूल्स भी होते हैं, वो आप ले सकते हैं, बट ओनली आफ्टर डिस्कसिंग विद योर डॉक्टर। थैंक यू। ये वीडियोस हम लोग बनाते हैं ताकि कैंसर से रिलेटेड
इन्फॉर्मेशन हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अगर आपको इस टाइप के वीडियोस पसंद आते हैं प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज उसी से ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जा सकते हैं। लोगों के मिथ्स हैं, लोगों की भ्रांतियाँ हैं, वो इस बीमारी से लड़ने में इस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए हेल्प हो सकती है। थैंक यू।